वन न्यूज ओनली फैक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफुल्ला, आप देख रहे हैं वी वन न्यूज़ चैनल। लॉकडाउन के चलते कुछ लोग के पास कुछ एरियाज में कोई सहूलत नहीं, जैसा कि राशन और तरकारी, वो बहुत परेशान है। उसी वक्त हमारी एक टीम तेलंगाना सेवक टीम ने EWS कॉलोनी बल्लागुड़ा में जाकर कई लोगों की मदद की और उन्होंने गुजारिश की है कि कुछ NGOs अगर हमसे राबता करना चाहे तो कर सकते हैं और तेलंगाना सेवक टीम की मदद करें, ताकि वो लोग जाकर जहाँ जहाँ कुछ लोग जो दूर दूर के एरियों में हैं, जो परेशान हैं, उन तक सहूलत पहुँचा सके। रिपोर्टर नवीद, कैमरन रऊफ, वीवन न्यूज़ चैनल। आज मैं मोहम्मद फयाजुद्दीन EWS कॉलोनी बल्लागुड़ा पर ठहरा हुआ हूँ। मैं तेलंगाना सेवक की टीम के साथ आज देखिए हम लोग यहाँ पर गरीब आवाम, देखिए आप जितने भी ये फूड पैकेट्स लिए हैं, बहुत परेशान हैं लोग। हम लोग जो सो ना जन जन से भी फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर जाकर जो सो ना हमारे फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हम लोग EWS कॉलोनी में देखे हैं कि यहाँ पर आवाम बहुत परेशान है। यहाँ पर इन लोग को खाने को जो सो ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। राशन के किट्स नहीं है लोग के पास, नहीं आ रहे हैं, और जो सो ना फ्रूट्स के किट्स भी, अपने वेजिटेबल किट्स भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इन लोग को तरकारी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और हर चीज़ के लिए मुश्किल हो रही है। रोज़गारी करे तो ही जो सो ये लोग खाना खा सकते हैं, और ये लोग को रोज़गारी जो सो ना रुकी हुई है। मैं तकरीबन जितने NGOs है या और कोई जो हुकूमत है और जो सो हर पार्टी को भी मैं बताऊँगा कि जाकर जो सो ना EWS कॉलोनी में जाकर देखिए, यहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब जितने NGOs है और जितने अहले खैर है, जो भी फंड्स देना चाह रहे हैं ये तेलंगाना सेवक को दिए, तो हम लोग जो सो ना आकर हर जगह पर जाकर जो सो ना हम लोग फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं जो सो ना देख रहा हूँ, जितने लोग हो सके पड़ोसी भी, अगर पड़ोसी के पास जो सो ना एक चार टाइम का खाना है तो एक टाइम का खाना जो सो ना पड़ोसी को भी ख्याल करिए, तो इससे भी जो सो ना अपने जितने लोग हैं उन लोग को खाने की परेशानी नहीं होती। शुक्रिया। ये आप कितने दिन से 22 तारीख से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, 22 तारीख से जनता कर्फ्यू से शुरू करा हूँ मैं, अब तक जो सो ना हमारा काम जारी है। आज तक भी हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम ये काम करेंगे। फूड पैकेट्स कितने हैं साहब आपके पास डेली? मैं